जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज हम चेक करेंगे बोलेरो M2DICR। इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑटोमेटिक रेस हो रहा है, कभी कभी रेस नहीं भी हो रहा है। इसमें हम चेक करेंगे, पूरा डिटेल से बारीकी बारी चेक करेंगे। आप देखते रहिए, स्किप मत कीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे वीडियो हम बनाने को हमको उत्साह मिले। बाबा मोटर्स से हम मतलब ये शूट कर रहे हैं, हमारा ही गैरेज है। देखिए, चेक इंजन आ रहा है एक्सेल देने के बाद। अब बारी बारी चेक करेंगे, एक से एक लेके चेक करेंगे। पहले से देखो, चाबी ऑन किया, देखो स्टार्ट मारेंगे, देखो स्टार्ट हो गया। आरपीएम को नज़र रखो, देखो ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक बढ़ता है। देखो आयर मैंने मतलब एक्सीडेंट को नहीं रखा, फिर भी ऑटोमेटिक रेस हो रहा है। देखिए मतलब आपका जो आरपीएम में एक से ऊपर जा रहा है, तो 9 में रहना चाहिए, ऊपर जा रहा है, ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो रहा है। तो चेक इन आ रहा है, लाइट अब जल जाएगी। देखो ठीक से देखो, अभी लाइट जो चेक इन गाइड है वो जल जाएगा। हमारा ये फॉल्ट एक्चुएटर का पूरा कंफर्म, मतलब कंफर्म है, एक्चुएटर का ही फॉल्ट है। देखिए अभी देखो नीचे आया, फिर चेक इन है, जो एक्चुएटर छोड़ दिया तो आया। तो देखो फिर मैंने एक्स्ट्रा पावर नहीं रखा हूँ, बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। जब फुल डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे, आपको बताएंगे कैसे इसको चेक करते हैं। हम थिंक जैक लगा दिया, स्कैनर भी लगा दिया, लेकिन चेक हम बाद में करेंगे। देखिए फिर फॉल्ट कोड क्या दिखाता है। थिंक जैक में जाएंगे, फिर ऑल डायग्नोसिस सिस्टम पे जाएंगे, फिर बोलेरो पे जाएंगे, महिंद्रा महिंद्रा इंडियन। अभी ये स्कैन चल रहा है और कनेक्ट हो जाएगा तो ये हो, मेरा बंद हो गया है, बंद हो गया मेरा लाइट, कहीं लूज कनेक्ट हुआ है और एक खींच के और भी लगाता हूँ, इसलिए भी से कनेक्ट नहीं ले रहा है। अभी ग्रीन हो गया, अभी ले जाएगा। ग्रीन था, कभी हिल के मतलब कनेक्ट नहीं हो पाया। अभी फिर महिंद्रा महिंद्रा इंडिया, देखो अभी कनेक्ट हुआ है, ब्लू हो गया, मतलब कनेक्ट हो गया। छोटा स्कैनर मतलब काम भी बहुत अच्छा करता है, मैं लोकल गैरेज के लिए बहुत अच्छा है, कम पैसा में ज़्यादा बड़ा धमाका। होल्ड मेनू में जाएंगे, M2DICR में डायरेक्ट जाएंगे, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे, इंजन सिस्टम, फिर रीड फॉल्ट कोड। देखो ये हो गया P2138, प्लीज़ रेफर टू मैनुअल, मतलब मैनुअल चेक करने के बोल रहे हैं। ये फॉल्ट कोड जितना ही मैनुअल लिखोगे वो तो खुद चेक करने, क्लियर कर दिया, ठीक है, ओके। अभी हम खोल एक्सेलेरेटर खोलेंगे, एक्सेलेरेटर देखो स्टार्ट मारेंगे तो फिर वही फॉल्ट कोड आ जाएगा, वही चेक इंजन आ जाएगा। देखो बढ़ेगा ऑटोमेटिक, फिर बढ़ेगा, अभी आरपीएम बढ़ेगा, देखो बिना हम रख नहीं रखे,
पैरेट तो ऐसे ही बढ़ रहा है, कभी कभी कस्टमर कंप्लेन आ रहा, कभी कभी मतलब एक्शन नहीं ले रहा, इसी फिर उसी कोड आ गया डाटा क्लियर कॉल कर दो, पहले करेंगे रीड डाटा बाद में, क्योंकि तो ही फॉल्ट है, हमको पता है क्या करना है, और फिर रखते हैं फिर एक्सट्रा पे डाल हम खोलते हैं, ये देखेंगे डायग्नोज करके क्या होता है। तो प्रॉब्लम तो वही है और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए डर ही प्रॉब्लम है, हम देख लिए एक्सट्रा पे खोलते हैं उसको, थोड़ा कनेक्टर साफ करके उसको लगाते हैं, ऐसा पोट मार देता है वो, मतलब ये पद्मिनी का जो एक्सीलेटर पे डालाता है उसी का है। हम खोल लिए, अभी उसको साफ करेंगे थोड़ा, वो एयर कनेक्टर मार के, रस्ट अब नहीं मारने का सर, कभी भी रस्ट अब नहीं मारने का, हम इसे यहाँ पे निकाल देते हैं, यहीं पे स्कैनर रखते हैं, जाके देखते हैं क्या होता है। मतलब थिंग डैग का बारे में जितना बोलो उतना कम है, थिंग डैग मतलब बहुत अच्छा काम करते लोकल गैरेज के लिए, इतना सस्ता में इतना सारा काम कोई भी नहीं कर पाएगा। देखो हम खोला, देखो ये तो प्रॉब्लम हो गया है कुछ, मतलब पानी फानी अंदर घुस के प्रॉब्लम हुआ है, जो तो रिपेयरेबल नहीं है, इसको जब साफ करने से फिर और कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये तो साफ करने के बाद फिर प्रॉब्लम दिखा तो फिर उसको नया डालें, मुझे लगता है कि शायद साफ करने से हो जाएगा। देखिए ये हमारा सब है, ये हमारा रोस्ट अप है, रोस्ट अप नहीं मानने का कभी कभी, कभी भी रोस्ट अप नहीं है। देखो वायर कनेक्टर है हमारे पर, वायर कनेक्टर क्लीनर, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर है, उसको मानना है, फोर्थ का है, ज़्यादा पैसा नहीं आता है, 450 से 600 का अंदर आता है। इसको साफ करने से पूरा कंफर्म ये क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बोलरों में वही प्रॉब्लम आता है, बोलर क्या है पिकअप है उसी का ही फॉल्ट है। ठीक, फिर हमको फिटिंग करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखते हैं। अभी हम लगा के चेक करेंगे, पहले ऐसे खोला फिटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेंसर खाली लगा के देखेंगे, पेडल नहीं लगाएंगे, सेंसर कनेक्ट दे के फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखो चाबी ऑन किया, देखो कनेक्ट कर दी, कभी नहीं आ रहा, देखो अभी जितना भी रखा हूँ उतना भी रहना चाहिए, अभी भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ से। कम हो गया, देखो ज़्यादा बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है, हमारा ये कन्फर्म एक्सीलेटर का ही प्रॉब्लम है। आप अभी काम भी कर सकते हैं, इसको नया भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये साफ करने से चल जाता है, तो हम वीडियो फर्स्ट लास्ट तक देखिए। देखो हम टोटली पहले से फिट कर दिए, कंप्लीट फिट कर दिए, अभी फिर चेक करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे हमारा हो जाएगा, कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू आरआर डीजल इंजीनियरिंग, थैंक यू थिन डैग मुझे प्रोवाइड करने वाले आरआर डीजल इंजीनियर्स रायपुर। एक 160,000 गाड़ी चल चुका है, तो कभी देखो चेकिंग टोटल नहीं आएगा, ये मतलब कभी भी नहीं आएगा, कभी प्रॉब्लम होगा तब आना आएगा, किस आएगा नहीं, चेकिंग आना बंद हो गया, पूरा
टोटल सक्सेसफुल है, एक नंबर सक्सेसफुल काम है। मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तब मैं अच्छा अच्छा वीडियो बना पाऊँगा। ज़्यादा टाइम नहीं रहता है फॉल्ट फाइंडिंग का वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो आपको सारे वीडियो देने को मन कर रहा है लेकिन टाइम नहीं हो रहा है। छोटा मोटा वीडियो ऐसे बना लेता हूँ, कंडीशन में है अभी, शाम में मैं कुछ नहीं दे रहा होगा। देखिए हमारा वार का भी डन हो गया, कुछ प्रॉब्लम में लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, देखो जितना भी रेस कर रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अच्छे हमारा काम कंफर्म हो गया है और स्कैनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा है।